आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मिरर एंड टाइप्स ऑफ लेंस। मिरर कितने प्रकार के होते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है वो इस तरह का होता है, उसकी सरफेस प्लेन होती है और उसके एक तरफ इस तरह से रिफ्लेक्टेड मटेरियल होता है, दैट इज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर इज द मिरर विच मेड बाय अ स्फेरिकल, मीन्स अगर हम एक स्फेरिकल लेते हैं और अगर हम स्फेरिकल को बीच में से कट कर देते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं स्फेरिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब अगर हम इस वाले पार्ट पर इसके जो आउटर सरफेस है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये जो मिरर बनता है दैट इज कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर कहलाता है जिसका कॉन्वेक्स पार्ट जो होता है उस पर रिफ्लेक्टेड मटेरियल का पॉलिश होता है और अंदर वाला जो पार्ट होता है ये रिफ्लेक्शन का काम करता है। अब आइए इस पर अगर हम अंदर की ओर यानी कॉन्केव वाले पार्ट में पॉलिश कर देते हैं तो इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है यानी जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है ये रिफ्लेक्शन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम यहां पर देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, स्फेरिकल मिरर को फिर हम दो पार्ट में बांट देते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर वो होता है जिसके आउटर पार्ट में पॉलिश होती है, इनर पार्ट रिफ्लेक्शन का काम करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो मिरर होता है जिसके इनर पार्ट में पॉलिश होती है रिफ्लेक्टेड पदार्थ मटेरियल की और आउटर पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन का वर्क करता है। तो ये इस तरह से जो मिरर है दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, एमकेजेन क्लासेस कोटा टॉपिक को लाइक कीजिए, हमारा चैनल है एमकेजेन क्लासेस कोटा उसको सब्सक्राइब कीजिए।